के चुनाव में आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो लोग गैट करार का विरोध करते हैं, जो मल्टीनेशनल का विरोध करते हैं, जो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, भारत के शेतकरी समाज को समृद्ध बनाना चाहते हैं, खेती को संपन्न बनाना चाहते हैं, उन्हीं को वोट करिए। और मेरा आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि वोट करते समय पक्ष को ध्यान में मत रखिए, व्यक्ति को ध्यान में रखिए, क्योंकि पक्ष कई बार बेईमान हो जाते हैं। हम पक्षों को एक बात के लिए चुनकर भेजते हैं कि इस काम को करने के लिए जा रहे हैं, जब वो वहां पहुंच जाते कहते हैं ये नहीं हो सकता, कुछ और बताओ, ये नहीं हो सकता, कुछ और बताओ, फिर वो अपने मूल मुद्दे सब भूल जाते हैं, फालतू फालतू काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पक्षों को वोट मत करिए, व्यक्तियों को वोट करिए। कोई बहुत अच्छा कामदार है, कोई बहुत अच्छा खासदार है, लेकिन उसका पक्ष खराब है, तो भी आप उस आमदार और खासदार को वोट करिए, क्योंकि पक्ष को आपने अगर वोट किया तो पक्ष तो नागनाथ और सांपनाथ हैं, दोनों ही डसेंगे, चाहे जिससे डसवा लो अपने आप। आजादी के 60 साल में यही हुआ है। इसलिए व्यक्तियों को चुनिए, और व्यक्तियों को चुनते समय उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो ध्यान में रखिए, कि वो व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना चरित्रवान है, रात को रोज दारू पी के तो नहीं सोता है, रात को कोई खराब काम तो नहीं करता है, गलत काम तो नहीं करता है, परस्त्री गमन तो नहीं करता, परवेश्या गमन तो नहीं करता। ऐसी बातों को चुनकर अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे लोग चुनकर जाएंगे, और अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही काम करते हैं, बुरे लोगों को चुनकर भेजेंगे वो बुरे काम ही करेंगे। अभी तो आप ऐसा चुनाव करते हैं कि एक व्यक्ति है उसने 100 मर्डर किए हैं, दूसरे ने 90 मर्डर किए हैं, आप 90 वाले को वोट दे देते हैं, वो 90 वाला जब चुनकर जाता है तो वो 150 मर्डर करा देता है, वो उसका बाप निकलता है पिछले वाले का। ऐसा चुनाव बन, ईमानदार, चरित्रवान, पारदर्शी, साहसी, पराक्रमी, ये 5 सूत्र हैं, ईमानदार, चरित्रवान, साहसी, पराक्रमी और पारदर्शी। ऐसे गुण जिसमें भी हैं वो सबको चुनवाकर संसद में भेजना, लोकसभा में विधान के मतदान के समय ध्यान दीजिए, वोट देते समय ऐसे व्यक्तियों को जो विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करते हो, गैट करार को रद्द कराने की बात करते हो, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानूनों को खत्म कराने की बात करते हो, उसके आधार पर आप वोट। उधारी जो नेता WTO की खिलाफत नहीं करते, जो WTO को रद्द करने की बात नहीं करते, उन सब पुढ़ारियों को इस बार के चुनाव में सबक सिखाएंगे। आप एक ही बात तय कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इस देश। चुनाव आएगा और आपके मतदान संघ से, मतदार संघ से जो भी व्यक्ति खासदार है उसको आप सीधे सवाल पूछो, देखो भाई 13 साल से ये गैट करार हमारे देश में आया, आपने गैट करार को रद्द करने के लिए पिछले 13 साल में क्या किया, और आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे, तभी हमारा वोट आपको मिलेगा। जिस दिन आपने वोट को गैट करार के सवाल से जोड़ दिया, उसी दिन खासदारों को झक मार के कहना पड़ेगा कि हाँ हम गैट करार को रद्द करेंगे, अगर तुम रद्द करोगे तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दो, पूरे पब्लिक के सामने घोषणा करो कि मैं लोकसभा में जाने के बाद गैट करार को रद्द कराने के लिए काम करूंगा, और अगर तुमने नहीं कराया तो तुमको वापस बुला के किसी दूसरे को भेजेंगे हम गैट करार को रद्द कराने के लिए। ये नहीं कि 5 साल तुमको चुनकर भेज दिया तो 5 साल हम चुप बैठ जाएंगे, तुमने अगर काम नहीं किया तो तुमको वापस बुलाएंगे, दूसरे को भेज देंगे, तीसरे को भेज देंगे। तो गैट करार को रद्द कराने वाले खासदार चाहिए लोकसभा में, गैट करार को रद्द कराने वाले आमदार चाहिए विधानसभा में।